आप लोगों को पता है ओजस जो है बहुत अच्छी स्टोरी क्रिएट कर लेता है, तो आप सुनेंगे? तो भाई ओजस सुनाओ स्टोरी। एक सात बार सुना, आपने सात बार तो सुनी नहीं होगी ना। नहीं सुना। एक सात तीन सात थे, एक बड़ा सांप था, वो चींटियों को घर तोड़ देता था। वो चींटियों क्या कहते हैं, सांप ने लोगों को बुलाया, तो चींटियों लोगों ने सांप को लोगों ने मार दिया, क्योंकि वो चींटियों के घर में था। उसने ऐसे ऐसे लाठी मार कर मार दिया, फिर वो सड़ गया, उसकी हड्डी दिखने लगी। फिर उसके बाद दो सांप आए, फिर उन दो सांप ने और फिर बड़े सांप ने सॉरी बोली उन दोनों सांप से, फिर दोस्ती हो गई। खत्म कहानी। खत्म कहानी। तो पूछो भाई, सबसे कैसे पसंद आई कि नहीं पसंद आई लोगों को? पसंद आई या नहीं पसंद आई? पूछो तो अच्छे से पूछो। स्टोरी को लाइक करना और शेयर करना और क्या करना? और क्या करना? स्टोरी को लाइक करना, शेयर करना, शेयर करना, पसंद आई तो कमेंट कर देना। हमारे चैनल को ग्रो कर देना। ग्रो करो। ग्रो कैसे होगा? सब्सक्राइब करने से, हमारी वीडियोस देखने से। और जिसके चैनल को बढ़ाना है सबको। हाँ? है ना स्टूडेंट्स? हाँ, मोस्टली तो हमारे स्टूडेंट्स ही होंगे। तो और कुछ कहना है? और कुछ नहीं कहना है। अब आप स्टोरी सुनाओ। मैं स्टोरी सुनाऊँ? एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल में दो शेर थे। एक शेर था बूढ़ा और एक शेर था छोटा। राजा था, छोटा नहीं था, राजा था। अच्छा, छोटा नहीं था, राजा था। तो बूढ़ा वाला शेर जो था वो तो जंगल का राजा था, पर छोटा वाला शेर जो थोड़ा बड़ा हो गया, वो बूढ़े शेर से कहने लगा, अब तो तुम भाई बूढ़े हो गए हो, अब मैं इस जंगल का राजा बनूंगा, आप तो रिटायर ही हो जाओ। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद सभी जानवरों ने बूढ़े वाले शेर को बूढ़ा 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 कहकर चढ़ाया। चढ़ाया चिढ़ाया चिढ़ाया। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जंगल के जानवरों ने एक तालाब का कुआं देखा, उसमें पानी पिया जंगलों के जानवरों ने। फिर उसके बाद सब जानवर सो गए, सिर्फ बूढ़ा वाला शेर बस टहलता रहा, टहलता रहा, फिर टहलता रहा। उसने कुएं के अंदर जाकर तो उसने देखा एक पक्षी की शैडो कैसी है। फिर उसके अंदर कूदा तो उसके अंदर जहर का पानी था, तो उसके अंदर कूदा तो उसके उसके अंदर सुई थी, तो उसके बूढ़े वाले शेर के सुई चुभ गई। फिर वो ऐसे कूद पड़ा आसमान, फिर इंसान के पास लिया, फिर कापने लगा, बर्फ बन गया। फिर वो हमेशा नीले बर्फ बनकर पिघल गया। फिर तो उसके बाद कहानी खत्म। आपकी मेरी कहानी इन्होंने सुना दी है ना। मैंने मुझे उसको उल्लू बनाया कहानी बार कहानी सुनाने के बाद मैंने थोड़ी सी स्टोरी सुनाई और जो जिसने पूरी कर दी मुझे सुनानी नहीं पड़ी। ये की अच्छा, कमेंट करके बताना मेरी शक्ल और इसकी शक्ल मिलती है क्या? क्या ये और ये
मुझसे सेम टू सेम है क्या? मेरी बचपन की फोटो जो है कभी आपको दिखाएंगे, ठीक है? और इसकी फोटो सेम टू सेम, लगता ही नहीं है कि अलग ही अलग लोग हैं, बिल्कुल सेम है। मैं हूँ बचपन में। हाँ, तुम्हारा भी बचपन ही चल रहा है। कहाँ बचपन है? और तुम क्या बूढ़े हो गए हो? हैं, तुम क्या बूढ़े हो गए हो? नहीं। तुम्हारा बचपन ही तो है। ये बचपन नहीं है। हाँ तो फिर क्या है? मेरा असली रूप कब आएगा? ये मेरा बचपन है तो। असली रूप? तुम अपने असली रूप में हो बेटू। तुम कोई नागिन या नाग थोड़ी ना हो जो चेंज हो जाओगे, तुम्हारा दूसरा रूप आ जाएगा। तुम इंसान हो, इंसान ही रहो। असली रूप क्या होता है? इंसान बड़ा होता रहता है, बड़ा होता रहता है, उसी के हिसाब उसकी शक्ल भी चेंज होती रहती है, उसकी वॉइस चेंज होती रहती है, उसके हैंड्स जो होते हैं बड़े हो जाते हैं, उसकी पूरी बॉडी बड़ी हो जाती है, बाल उतने के उतने रहते हैं, क्योंकि बॉयज के बाल छोटे होते हैं, छोटे होते हैं, पर गर्ल्स के बाल जो होते हैं वो बड़े होते रहते हैं। बॉयज के बाल बड़े होते हैं कि नहीं होते हैं ये बता चलो। होते हैं पर कटवा लेते हैं बॉयज। ओ, कटवा लेते हैं। आपको पता है ये बात कि नहीं पता है? कल इनके बाल बड़े हो जाएंगे। कितने बड़े हो जाएंगे कल तुम्हारे बाल? इतने। कितने? इतने बड़े हो जाएंगे। तो मैं कटवा लूंगा मामा से। अच्छा, मामा ने तुम्हें टकला कर दिया तो? मैं मामा के साथ लाइफ कटवाऊंगा चलकर मामा के साथ। नहीं, अगर मामा ने तुम्हें टकला कर दिया तो आप काट लेना। मैं काट दूंगी, मुझे बॉयज के बाल नहीं काटने आते, मुझे तो सिर्फ अपने बाल काटने आते। मम्मा, अच्छा मैं बताऊँ, आप मामा को बताना ऊपर और मामा काटेंगे, ठीक? ओके। तो भाई आ गया है ओजस का आम, ओजस खाने जा रहे हैं आम। पापा जी पूजा कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ आ रही है पूजा करने की। अरे अरे अरे, एक एक खाओ ना, एक एक खाओ। कैसा लग रहा है? कुछ भी गुठली खानी है पर गुठली नहीं मिलेगी खाने को आज, क्योंकि गला हुआ आम है, इसलिए ऊपर ऊपर का जो सही था वो खा लो, गुठली तुम नहीं खाओगे आज। नहीं, वो गुठली तुम्हें छूना ही नहीं है। नहीं, गुठली गली हुई है हल्की, इसलिए आम का सीजन जो है वो ख़त्म हो चुका है ना, बस लास्ट के ही आम बचे हैं। इनको बहुत ज़्यादा पसंद हैं तो इनके लिए मंगा दिए जाते हैं। जब तक हैं आम, पापा कहते हैं तब तक इन्हें खिला देते हैं। कोई खाए या ना खाए पर इनके लिए आम ज़रूर आएंगे। कुछ ही चीज़ जो हैं जो इन्हें पसंद है तो वही खाएं। सर्दी का दिन आने ही वाला है। क्या आने वाला है? सर्दी का दिन। सर्दी? हाँ, बारिश चल रही है, अब सर्दी आएगी। इसके बाद फिर सब आम चले जाएंगे। हाँ, आम चले जाएंगे, फिर वापस जब गर्मी आएगी तब हमारे आम भी वापस आ जाएंगे। अम्मा, आम ठंडे होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना होगा, ठीक है? कोई सजेशन देना है तो कमेंट कर आप दे सकते हैं। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।